खबर शिवगढ़ रायबरेली से है, जहां विकासखंड क्षेत्र के ब्लॉक सभागार में एक दिवसीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्र के 33 कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के 113 छात्रों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी शिवगढ़ राममिलन यादव ने की। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम में कंपोजिट विद्यालय कक्षा 8 की छात्रा दिव्यांशी 90 अंक पाकर प्रथम, कंपोजिट विद्यालय कोटवा के छात्र विकास कुमार द्वितीय, कंपोजिट विद्यालय गुढ़ा की छात्रा नंदिनी तृतीय, कंपोजिट विद्यालय कोटवा के छात्र रविन्द्र कुमार चतुर्थ, कंपोजिट विद्यालय पिंडौली के छात्र रवि कुमार पंचम स्थान पर रहे। खंड शिक्षा अधिकारी राममिलन यादव ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप विज्ञान विषय पर आधारित छात्रों को प्रतिभाग करने के लिए एक दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। विज्ञान विषय से सीखने के लिए संबंधित 50 प्रश्नों में 100 अंक का एक प्रश्न पत्र छात्रों को दिया गया था, जिसमें ब्लॉक के 33 कंपोजिट विद्यालयों से 113 छात्रों में से 5 छात्रों ने स्थान प्राप्त कर जिले में अपना स्थान बनाया है। सभी 5 छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए विभाग द्वारा 800 रूपए की नगद राशि भी दी गयी। यह सभी छात्र जिला स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के बाद प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भेजे जाएंगे। साथ ही प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले 50 छात्रों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम सुदूर ले जाकर दिखाए जाएंगे। इस अवसर पर मनोज कुमार यादव, दिनेश वर्मा, ARP अजय वर्मा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश वर्मा, नीलमा श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक अनिल कुमार, सौरभ शर्मा, मोहम्मद इमरान, धर्मेंद्र सिंह, ब्रज किशोर वर्मा आदि उपस्थित रहे। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। साथ है खंड शिक्षा अधिकारी शिवगढ़ से। आज ब्लॉक सभागार में क्या लेकर के कार्यक्रम को लेकर क्या आयोजन था? आपको बताना चाहता हूँ कि विकास खंड शिवगढ़ के आज इस ब्लॉक सभागार में कुछ प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों ने प्रतिभा किया। इन बच्चों में से 5 बच्चे टॉप 5 में चुने गए, जो जनपद स्तर पर स्कूल प्रतियोगिता में विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभा करेंगे। साथ ही 50 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। इन 50 बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। तो प्रथम पुरस्कार हमारे बच्चे ने जो जीता वो दिव्यांशी थी, कंपोजिट विद्यालय कसना से। द्वितीय पुरस्कार विकास कुमार को मिला, जो कंपोजिट विद्यालय कोटवा से। तृतीय पुरस्कार कंपोजिट विद्यालय कोटवा से रवीन कुमार को। नंदिनी चतुर्थ पुरस्कार कंपोजिट विद्यालय गुढ़ा से और रवि कुमार कंपोजिट विद्यालय पिंडौली से। आज 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। ये जनपद स्तर पर होने वाले विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करेंगे और 50 बच्चे एक्सप्लोजर विजिट में जाएंगे। लगभग कितने छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया और उनमें से कितने बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया गया? कुल मिला के 113 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 50 बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया गया।